साला इंजीनियरिंग करके डिग्री भी ले लिए, फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गोलुआ बोला था कि उसके दुकान में वो मैकेनिक की जरूरत है, उसी के दुकान में काम पकड़ लेते तो कम से कम रिचार्जों का दाम निकल जाता। A few inches later. देखे तनिक कहाँ गड़बड़ी आ गया है। एट साला खड़ा हो जो। अंदर तो सब टनाटन है, तो अब साला इंजन काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 2 मिनट में ठीक कर देंगे, साला इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कोनो मजा। कबड्डी 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 साइड प्लीज साइड प्लीज, साला बड़ी जोर से भूख लगा हुआ है। रे दोस्त, हाँ एक चूहा हम लोगों का नाश्ता चुरा रहा है और तू साला बेशर्मों की तरह ठूसे जा रहा है, जल्दी कुछ कर। अरे तू टेंशन मत ले दोस्त, ठूसने दे साले को जितना ठूसना है। ई बकवा अपन लोग का नाश्ता खाएगा, अपन लोग इसको नाश्ते में खा जाएंगे। एक ऐसी लकड़ी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की, बाप रे बाप। चलो टमाटर और बैगन का जुगाड़ तो हो गया, अब जल्दी से इसको लेके निकलते हैं, न तो कहीं भक्चोनरचा देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऐसी ए जी, आज बैगन का तरकारी खाने का मन कर रहा है, जाइए ना खेत में से 2-4 गो बैगन तोड़ के ले आइए। ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, हम 1 घंटा में आते हैं। A few inches later. लोहंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। साला बहुत थक गए, तनका आराम कर लेते हैं, बैगन बाद में तोड़ेंगे। लोहंडिया लंदन से लाएंगे। भक्चोनर कौन सी हुआ रे? पदुआ आपके खेत में से बैगन चुरा रहा है। भक्चोनर का बैगन चुराने का मतलब है सीधा मौत। पद्दू बेटा अब तू नहीं बचेगा, आई एम कमिंग। मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, तुमको वोट देंगे हम। बक डांटेगा नहीं देंगे बक। अरे भाई जी क्या हुआ यहाँ पर? हमको नहीं पता है भाई, हम घर जा रहे हैं। अरे बताइए ना जी, दूसरा से पूछ लेना भाई। अच्छा अच्छा, ए भाई जी क्या हुआ जी? सुने दूल्हा पिटा गया? दहेज में शिव की जायर मांग रहा था तो पिटाया होगा। तब तो ठीक है पिटाया। साले अपन बाप के पॉकेट से पैसा चुराएबे। मम्मी ना बेटा ना, इन्हें अब बाबू हमर चुप। ए जी काहे मार दिए इसको, देखिए तो कितना रो रहा है। बाप के पॉकेट से पैसा चुराएगा तो इसको मारेंगे, नहीं तो अगरबत्ती दिखाएंगे। चोरबा साला, इससे पूछिए तो पैसा काहे चुराया। हमको ड्रीम 11 पर टीम बनाना था इसीलिए। तो खुदे कमा के बनाओ ना टीम, चोरी काहे करता है। साले अगर दोबारा चोरी करते देख लिए ना तो दोनों हाथ तोड़ के हाथ में दे दे। ओह साला कितना गर्मी है, बुझाता है जड़ के राख हो जाएंगे। ठंडा का मौसम कितना अच्छा होता है, दिन भर रजाई तान के परे रहते हैं, लेकिन साला ही गर्मी में तो ऊपर का पसीना नीचे से टपकता है, हालत खराब हो जाता है। ओह साला कितना गर्मी है, बुझाता है जड़ के राख हो जाएंगे। ठंडा का मौसम कितना अच्छा होता है, दिन भर रजाई तान के परे रहते हैं, लेकिन साला ही गर्मी में तो ऊपर का पसीना नीचे से टपकता है, हालत खराब हो जाता है। साला बड़ा टेंशन है लाइफ में, छोकरी चाहिए तो नौकरी लेना ही पड़ेगा, और साला शकल भी ऐसा ना है कि बिना नौकरी के छोकरी मिल जाए, क्या करे। जाने मन एक नजर इधर भी देख लो। हराम खोर लड़की छेड़ता है, लातो रे मोटका बांस। अरे बा हो पापा, माफ कर दो हो पापा। साले पढ़ाई लिखाई 22.5, खाली लड़की छेड़ता है। बाप रे। अरे साला मंगो। अरे बुक्का मंगो ना है, आम है। ये साला आम है के ना अंग्रेजी में मंगो कहै छै। अच्छा ई बात है, हमको तो मालूम नहीं था। ए टोकरी पर कौन चढ़ लग रे साला, टोकरी पर से उतार। अरे बा ए बिकतवा मंगो खाना ले। बाप रे बारे हमर पिट्ठी पर। अरे भाई लेमन जूस बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बालक तनी साइड हो। ए लेमन जूस टोकरी पर नहीं चढ़ना, न तो टंगड़ी झाड़ देंगे। ठीक है बालक टोकरी पर नहीं चढ़ेंगे। ए बिकतवा बालक तनी साइड हो। ए बालक दूगो आम लाओ ना रे। लेमन जूस बाबा पतलाऊ मार। भोला बाबा के जलवा चढ़ेबे नीमा न दुलहिन मिलतै रे। अरे बाप रे बाबा। अयो रे मां।